हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हैं सूरत सिटी के ऐतिहासिक किले में, जो तापी नदी के किनारे चौक बाजार में स्थित है। इस किले का अभी अभी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रिनोवेशन किया गया है। तो इस रिनोवेशन के बाद हमें अंदर कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती है और इस किले के अंदर जाने के लिए टिकट की प्राइस क्या है, ये सभी डिटेल हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कीजिए, जिससे ये होगा कि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। यहाँ पे 3 से 16 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए 20 रुपीज़ है और 70 से 60 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए 40 रुपीज़ है टिकट का प्राइस, और अबव 60 ईयर्स हैं तो उनके लिए 20 रुपीज़ है। और अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको अलग से 20 रुपीज़ देना होगा, और अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और यहाँ का टाइमिंग है तो मंगलवार से रविवार तक 10 से 6 बजे का टाइम है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो हमने ये टिकट ली है जो एक जन की 40 रुपीज़ है और दो जन की 80 रुपीज़ दिए हैं, और वीडियोग्राफी के लिए हमने 100 रुपीज़ अलग से दिए हैं। और जब हम लोग वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपीज़ अलग से देते हैं तो वो लोग ऐसे एक रबड़ ऐसा बैंड देते हैं हम लोग को, और आप अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये किला बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। किले के अंदर जाते ही ये टिकट हमें वॉचमैन को दिखानी होती है। अब हम चलते हैं किले के अंदर। जैसे ही हम किले में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे सबसे पहले हमें इस रूम में जाना होता है। इस रूम के अंदर एक और रूम में छोटा सा प्रोजेक्टर लगाया गया है, जिसमें हमें किले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे कि ये किला किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, ये सारा उसका इतिहास हमें इस वीडियो में दिखाया जाता है। अंदर से ये किला कुछ इस तरह से दिखता है। हमें यहाँ से जाना है तो चलिए देखते हैं कि वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल 6 कमरे हैं, जिसमें किला रिनोवेशन के पहले कैसा था और रिनोवेशन के बाद कैसा है उसकी तस्वीरें रखी गई है। इसके अलावा 19th सेंचुरी में सूरत के जो आखिरी राजा थे उनका सिंहासन यहाँ पे रखा गया है, और 19th सेंचुरी में जो व्यापार किया जाता था उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। यहाँ पे ये किले का डेमो दिखाया गया है और इस किले के आजू बाजू सूरत सिटी दिखाई गई है। और अब हम जा रहे हैं ये दूसरे रूम में, जहाँ पे हमें इस म्यूजियम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और ये पुराने ब्रिज का एक हिस्सा रखा गया है यहाँ पे। यह उस वक्त का सूरत सिटी का मैप है।
ये सारे तोप के गोले हैं, जिनमें से कुछ सीमेंट से बने हुए हैं और कुछ लोखंड से बने हुए हैं। जो सीमेंट से बने हुए हैं वो दीवारों को गिराने में काम में आते थे, और जो लोखंड के बने हैं वो युद्ध में यूज़ करते थे। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हमें ऊपर यहाँ एक और गैलरी देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग देश की करेंसी देखने को मिलती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमें ये कुछ पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमें ये डच लोगों का रूम देखने को मिलता है। इस रूम में जो फर्नीचर बताया गया है ये ओरिजिनल नहीं है, ये उस वक्त के जो ओरिजिनल फ़ोटो थे उसके पर से सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये फर्नीचर अभी अभी बनाए गए हैं, तो ये उस वक्त के फर्नीचर नहीं हैं, ये अभी के फर्नीचर हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमें ये कोर्ट रूम देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमें ये तोप देखने को मिलती है, और उस वक्त की जितनी भी तोपें बची हुई थी वो सारी तोपें किले के ऊपर गैलरी में रखी गई हैं। तो दोस्तों, इस किले का इतिहास सन 1373 से स्टार्ट होता है। सन 1373 में बादशाह फिरोज तुगलक ने किलों के आक्रमण से सूरत शहर की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। फिर इसकी दो सदी बाद पुर्तगालियों के हमले बढ़ते गए, जिसके कारण अहमदाबाद के बादशाह मोहम्मद तृतीय ने इस किले का फिर से 1540 में फिर से निर्माण किया और पहले से बड़ा किला बनाया। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हो किले पे तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे नीचे इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से 6 बजे का बताया गया है, लेकिन उनका एक्चुअली टाइमिंग 5:15 बजे शाम को बंद हो जाता है, 6 बजे का नहीं। तो आप जब भी आओ यहाँ पे तो ये ध्यान रखना कि 5:15 बजे किला क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम कई बार आए थे तो हमारा आधा किला घूमने का रहेगा, क्योंकि 5:15 बजे ही सब कुछ बैकअप हो गया, सब बंद हो गया था। तो आप जब भी आओ तो इतना ध्यान रखिए कि 10 से 5:15 बजे का टाइमिंग है, 6 बजे का टाइमिंग नहीं है। तो चलिए, तो जैसे ही हम थोड़े आगे आते हैं तो हमें ये ब्रिटिश रूम देखने को मिलता है। इस ब्रिटिश रूम में जो सारे टेबल और चेयर हैं ये सारे ब्रिटिश काल जैसे ही दिखती हैं, लेकिन ये अभी अभी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई हैं फ़ोटो में से देख के, तो ये उस वक्त की नहीं है। इसके बाद हम थोड़े आगे चलते हैं तो हमें एक और गैलरी देखने को मिलती है, जिसमें हाथों से लिखे गए पुराने ग्रंथ देखने को मिलते हैं।
उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें यह बुर्ज देखने को मिलता है जो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। और ये बुर्ज देखने के बाद हमें ये खूबसूरत सी रंग बिरंगी गैलरी देखने को मिलती है जहाँ पे आप 20 रुपये देके फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। इस गैलरी के राइट साइड पे एक दरवाज़ा देखने को मिलता है। इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो हमें एक और बहुत बड़ी गैलरी देखने को मिलती है। ये एक ट्रैवलर्स गैलरी है। जो लोग अलग अलग देश से यहाँ पे व्यापार करने आते थे उनकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई गई है और अलग अलग देशों की कई सारी चीज़ें भी यहाँ रखी गई है प्रदर्शन में। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें ये मूर्ति देखने को मिलती है। और इस गैलरी में 19th सेंचुरी की बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें एक और गैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो इस किले को ज़रूर विजिट कीजिए क्योंकि इस किले की प्राइस है 40 रुपीज़, लेकिन वो वर्थ इट है। ये किला बाहर से देखने में बहुत ही छोटा लगता है लेकिन इस किले के अंदर काफ़ी सारी इमारतें हैं और उसमें हमारी पुरानी चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। ऊपर से ये सारी इमारत एसी हॉल है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि गर्मी लगेगी। और ये किला अंदर से बहुत बड़ा है तो आपको काफ़ी समय लगने वाला है घूमने के लिए, तो आप आ रहे हो तो टाइम निकाल के आना। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आगे ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।